दोस्तों, ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के क्या कहे, रियल मेगा स्टार गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार, या फिर कहे स्पीडी कुमार, या फिर ये सारी बातें छोड़कर अब हम भी यही कहने लगे कि भैया एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में देने वाले फिल्मी कुमार। भाई ये टैग अक्षय कुमार के ऊपर अब लगता जा रहा है कि भाई अक्षय कुमार को अच्छे कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, अपनी फिल्मों को लेकर हाइप क्रिएट करने से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको तो भैया एक ही चीज़ से मतलब है, वो डायलॉग उन्होंने बोला था ना बॉस मूवी में, अपने को क्या करना, अपने को तो पानी निकालना, यानी कि भैया मुझे तो माल कमाने से मतलब है। अब भाई माल जितना काम करूंगा उतना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन भाई कहते हैं ना कि माल बनाने के चक्कर में अगर आपने क्वालिटी पर ध्यान देना छोड़ दिया तो आपकी फिल्मों का हाल ऐसा ही होगा। यानी कि भैया आप चार में से एक फिल्म अच्छी दोगे, तीन फिल्मों में अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा तो जनता ऑटोमेटिक यही प्रिडिक्शन करेगी ना कि भाई पिछली तीन फिल्में खराब हुई होंगी तो भाई ये फिल्म भी खराब होगी। और यही सोचकर शेर आया, शेर आया, शेर आया, तीन बार शेर को देखने के लिए जनता पहुंच गई थी मदद करने के लिए, लेकिन चौथी बार जब शेर आया तो कोई आया ही नहीं। और वही हो रहा है अक्षय कुमार के साथ मेरे भाई, इन दिनों यही हो रहा है। अक्षय कुमार अब क्वालिटी वर्क पर कितना काम करते हैं ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और अक्षय कुमार अब बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के उसी धरने पर चल पड़े हैं जिसकी वजह से उनका फिल्मी कैरियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। एक वक्त था कि भैया उनको बी ग्रेड मूवीज़ का बादशाह कहा जाता था, मतलब कि भैया जो लो ग्रेड की ऑडियंस थी ना उनके वो सितारे थे मेरे भाई, उनको वो लोग देखने के लिए सिनेमाघरों तक दौड़ते थे। कौन थे वो कलाकार? कोई शक? जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, जिनका एक वक्त होल्ड होता था भाई मिडिल क्लास लोगों के ऊपर। उनकी फिल्मों को देखने के लिए मिडिल क्लास जनता जो थी वो दौड़ पड़ती थी सिनेमाघरों की तरफ। लेकिन भाई मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मी करियर के आखिरी दौर में एक ऐसी गलती कर दी कि भाई उनकी एक फिल्म सिनेमाघरों में लगती नहीं थी कि भैया तब तक दूसरी फिल्म जो थी वो रिलीज होने के लिए तैयार होती थी। यानी भैया बैक टू बैक मैंने एक महीने में मिथुन चक्रवर्ती की 7 फिल्में देखी हैं। मुझे आज भी याद है कि भाई वो दौर क्या था, कि मतलब मिथुन चक्रवर्ती उतरते ही नहीं थे सिनेमाघरों से, और भाई जब उनकी फिल्में इस तरह से हम लोगों के सामने लगातार आने लगी, एक ही गांव में शूट किए गए सारे फिल्में, मतलब ऊटी में उनका होटल था वहीं पर उनकी सारी फिल्में शूट हो जाती थी, और मुझे लगता था कि 20 से 25 दिन का शेड्यूल वो लेते होंगे अपनी एक फिल्म को कम्प्लीट करने के लिए, और उनकी फिल्में बनकर फटाफट ऑडियंस के सामने हाजिर। फिल्मों की कहानी वही घिसी पिटी, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट, और भाई उसके बाद क्या हुआ तो मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी कैरियर पूरी तरह से ठुस। यानी कि भैया मिथुन चक्रवर्ती ने अपने ऑडियंस को कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि भाई इस बार वो क्या कहानी लेकर आने वाले हैं। अब इन दिनों देखिए बॉलीवुड में कई सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं जिनके पास में प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हुई है कि भाई मेरी फिल्म कर लो, मेरी फिल्म कर लो, मैं तुम्हें मुँह मांगा रेट देने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन कलाकार है ये? तो भाई सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, भाई ये सब वो बड़े बड़े कलाकार हैं बॉलीवुड के जिनके पास में प्रोड्यूसर की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन भैया ये लोग सेलेक्टिव मूवी करते हैं। इनकी सोच ये होती है कि भाई एक लाऊंगा, ज़्यादा कमाऊंगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों के बीच में ये मैसेज छोड़कर जाऊंगा कि भैया इसके बाद जो फिल्म लेकर आऊंगा वो भी शानदार होगी, जानदार होगी, ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। लेकिन भाई अक्षय कुमार को लेकर हम लोग क्या कहें, इनका तो बस एक ही फंडा है, अपने को क्या करना है, अपने को तो माल बनाने से मतलब है, पानी निकालने से मतलब है। लेकिन भाई अब तो पानी पब्लिक निकाल रही है इनकी फिल्मों का। मिशन रानीगंज बहुत अच्छी बनी है फिल्म, अच्छी फिल्म है, लेकिन भाई इनके पुराने कर्मों की वजह से इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमाघरों में इसलिए नहीं आ रही है कि भाई ये फिल्म भी वैसी होगी जो कि भैया इससे पहले उनकी जितनी फिल्में सिनेमाघरों में आई है, यानी भैया ढाक के 3 पात। और भाई रहा सहा कसर जो है वो अक्षय कुमार के वो चहेते पूरा कर ही देते हैं जो कि भैया उनकी फिल्मों को बिना देखे ये बात कहते हैं कि भाई मैंने ये फिल्म देखी, क्या बकवास फिल्म बनाई है। इनका भी अच्छा मार्केट में होल्ड है, इनकी बातों को जनता सुनती है। और भाई कहते हैं ना जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है और उसके साथ में जब और बुरी ताकतें एक साथ लग जाती हैं तो भाई आपकी अच्छे कर्मों पर भी लोगों की निगाह नहीं आती है, और यही हाल हुआ है मिशन रानीगंज के साथ। तो भाई इस फिल्म ने आज ऑलमोस्ट अपना 4th दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है, और भाई 4th दिन इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिला है उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई जवान इससे बेहतर कलेक्शन हासिल कर रही है मेरे भाई। 33वें दिन जवान का 33वां दिन है आज बॉक्स ऑफिस पर, और भाई
जवान ने जो कलेक्शन आज हासिल करने का मैसेज दिया है ना, वो तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन है मिशन रानीगंज से। हमें तो ऐसा लग रहा था कि भैया इस फिल्म को लेकर जो माउथ पब्लिसिटी इस बार जनता के द्वारा हुई थी उसको देखकर शायद जनता इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में आ जाए, लेकिन भाई अब जनता ही माउथ पब्लिसिटी को भी पसंद नहीं कर रही है। यानी कि भैया जनता को तो ऐसा विश्वास हो रहा है कि भाई ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना वीडियोज़ में, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं ज़बरदस्ती ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींच कर लाने के लिए। भाई इस फिल्म को जनता देखने जा ही नहीं रही है, और इसी का नतीजा है कि भाई आज इस फिल्म को पूरे दिन में जो पूरे इंडिया से ऑक्युपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 8.52% का। और भाई अगर हम लोग बात करें भैया शो बाई शो, तो भैया मॉर्निंग के शो में आज मिशन रानीगंज को जो ऑक्युपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 8.50% का। उसके बाद में आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो आज ऑक्युपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 8.29% का। और उसके बाद भैया इवनिंग के शो में इस फिल्म को आज जो ऑक्युपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा 8.77% का। और भाई आज के ऑक्युपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से ये फिल्म बहुत ही मुश्किल से 1,95,00,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रही है। यानी कि भैया ये फिल्म पहले वर्किंग डे पर 2 करोड़ का भी आंकड़ा छूने में नाकाम नजर आ रही है। और भाई आज के कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म बड़ी मुश्किल से 14.5 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हासिल करने में कामयाब हो रही है। यानी कि भैया ये फिल्म अपने बजट का कहे तो आधा भी अगर निकाल लेना तो बहुत ज़्यादा होगा मेरे भाई। यानी कि ये फिल्म तो गई, अब क्यों गई है ये बात तो मैंने आप लोगों को शुरू में समझा दी है कि भैया अब अक्षय कुमार को इस विषय पर सोच विचार करना पड़ेगा कि भाई एक साल में 4 फिल्में नहीं, 1 फिल्म करनी है और बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भैया जवान की, तो भैया जवान को लेकर शाहरुख खान ने जो मार्केट बनाया था वो मार्केट इतना सॉलिड है कि उसका फायदा उनको भाई day 1 से लेकर आज तक मिलता नजर आ रहा है। मेरे भाई शाहरुख खान को भी काम की तो ज़रूरत थी, लेकिन शाहरुख खान ने जब एक के बाद एक चोटें खाई तो उन्होंने थोड़ा सा ठहराव लिया, रुके, सोचे कि मुझे अब किस तरह से अपने फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाना है। उन्होंने पूरा चिंतन मंथन किया 4 सालों तक, सोचा कि भाई कैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं सिनेमाघरों में आई। उन्होंने भैया प्रॉपर रेखे की, जनता के दिमाग को पढ़ा कि जनता उनसे चाहती क्या है। कई लोग लगातार उस वक्त शाहरुख खान को लेकर न्यूज़ बना रहे थे, बातें कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि भाई कब आएगा किंग खान, कब आएगा किंग खान, क्या लाएगा किंग खान, क्या होगा अगला किंग खान का स्टेप, कौन सी फिल्म आएगी किंग खान की। भाई ये क्यूरियोसिटी किंग खान ने बनाई 4 सालों तक, मैं समझ सकता हूँ कि वो कितने बुरे दौर से गुजरे होंगे जब वो स्टेप नहीं उठा पा रहे थे कि भैया मुझे करना क्या है, लेकिन वो प्रॉपर रेकी कर रहे थे, सिचुएशन को पढ़ रहे थे, जनता के दिमाग में घुस रहे थे और जनता को ये मैसेज दे रहे थे कि मैं होल्ड पर हूँ, मैं अच्छे कॉन्सेप्ट को तलाश रहा हूँ, आपके सामने मैं जब आना चाहता हूँ तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहता हूँ जिससे आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले और आप उसी शाहरुख को एक बार फिर से सिनेमाघरों में देख पाओ जिस पर आप कभी बिलीव किया करते थे। और शाहरुख खान का ये होमवर्क जो है वो प्रॉपर वे में कम्प्लीट हुआ और उसका रिजल्ट उनको अब मिल रहा है पठान और जवान के माध्यम से। अब उनकी आने वाली तीसरी फिल्म यानी कि भैया डुमकी को लेकर भी अब वैसा ही माहौल क्रिएट हो चुका है। और भाई यहाँ पर एक मज़े की बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए शाहरुख खान की ये 3 फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघरों में इसी साल रिलीज हो जा रही है। अब इसके बाद क्या 2024 में शाहरुख खान की कोई फिल्म सिनेमाघर में आएगी? नहीं आएगी। अगर भाई यहाँ पर अक्षय कुमार रहते तो भैया शाहरुख खान भी 3-4 फिल्में ठोक देते, लेकिन भैया उन्होंने क्या किया, ना भाई हम 3 फिल्म से खुश हैं, इसके बाद जो मेरी अगली फिल्म आएगी वो और तगड़ी फिल्म होगी, उस फिल्म में मैं और सलमान एक साथ नजर आएंगे और उस फिल्म का नाम होगा टाइगर वर्सेस पठान, जो कि 2025 में आ सकती है। उसको लेकर ऑफिशियली घोषणा अभी भी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा नहीं की गई है। तो यहाँ पर शाहरुख खान ने ये बात समझाई ना भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों की कि भैया जब वक्त बुरा चलता है, दौर बुरा चलता है, समय साथ नहीं देता है, तो समय को आप साथ दीजिए, वक्त के साथ आप आगे बढ़िए, उस दौर को आप पढ़िए, आपको रिजल्ट खुद बखुद मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं सैल्यूट करना चाहूँगा शाहरुख खान को कि भैया उन्होंने इन सभी चीज़ों पर वर्कआउट करके भाई अच्छा रिजल्ट दिखाया जिसका फ़ायदा उनको 33वें दिन बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि आज इस फिल्म को
भैया बहुत ही शानदार ऑक्यूपेंसी रेट मिला है, बहुत ही शानदार। और ये ऑक्यूपेंसी रेट भाई मिशन रानीगंज से ज़्यादा है मेरे भाई। ओवरऑल आज जवान को पूरे दिन में इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 10.35% का, जहां पर भाई मिशन रानीगंज को पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है पूरे इंडिया से वो आंकड़ा है 8.52% का। यानी कि भैया आज जवान को मॉर्निंग के शो में 8.15% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला, उसके बाद भाई आफ्टरनून के शो में 10.93% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला और इवनिंग के शो में 11.98% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी कि भैया शो दर शो इस फिल्म को आज पूरे इंडिया से जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और भाई वो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो मिशन रानीगंज से ज्यादा रहा, जिसकी वजह से यह फिल्म 33वें दिन भी 1,25,00,000 रुपए का बिजनेस करती नजर आ रही है भाई हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से। और इस कलेक्शन के माध्यम से यह फिल्म 625,23,00,000 रुपए का बिजनेस हासिल करती नजर आ रही है 33वें दिन। तो भाई क्यों ना तारीफ करें हम लोग शाहरुख खान की, भैया वाकई में शाहरुख खान ने कर दिखाया भाई जो वो करना चाहते थे। तो दोस्तों वाकई में यहाँ पर अक्षय कुमार को अब सोचने का समय आ गया है कि भैया उनको अब आगे क्या करना चाहिए। अगर ये मेरा वीडियो अक्षय कुमार देख रहे होंगे या फिर उनके चाहने वाले देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग उन तक पहुँचाओ, मेरी बातें सुनकर शायद उनको लगे कि भाई ये बंदा जो उनके लिए बोल रहा है सही बोल रहा है, कि थोड़ा सा ठहराओ, जब समय ख़राब होता है ना तो लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। और यही ठहराओ अक्षय कुमार शाहरुख खान ने लिया था, जिसका फ़ायदा आज उनको मिल रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।